काल भैरव को प्रकट करे, काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। सिर लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, लुढ़कता गया, तो भी वो मस्तक झूठ बोलता रहा। मस्तक अभी भी झूठ बोल रहा है कि आकाशवाणी झूठी है। अब सिर कट गया, सिर कटने के बाद भी सिर लुढ़कता लुढ़कता झूठ बोलता गया। ब्रह्मा जी के रक्त, जो सिर कटने पर जो रक्त निकला, वो रक्त से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है कर्मनाशा। कौन सी नदी है जरा जम के बोलिए? कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान शिव ने कहा यह कर्मनाशा नदी ब्रह्मा जी के सिर कटने पर प्रकट हुई है। यह कर्मनाशा नदी भारत की भूमि पर एक ऐसी नदी है जिस नदी पर कुत्ता भी पानी नहीं पीता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिस पर पक्षी भी अपनी चोंच उस नदी के पानी को नहीं लगाते, वो कर्मनाशा। इलाहाबाद से काशी के बीच में बहने वाली ये नदी वैसे तो 14 किलोमीटर की है, पर आजकल अगर लोग नेट पर सर्च करते हैं तो वो 20 किलोमीटर की दिखती है। अब हो सकता है उसका विस्तार हुआ हो, पर शिव महापुराण में, लिंग पुराण में वो 14 किलोमीटर है। एक कर्मनाशा नदी जिस पर यूपी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हैं, इसमें हाथ ना धोइए, इसमें पांव ना धोइए, इसका स्पर्श ना करिए, ये कर्मनाशा है। 7 पीढ़ी में किसी ने उद्यापन करा हो, दान करा हो, कन्यादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, अन्नदान, उपास, व्रत, कुछ भी करा होता है, 7 पीढ़ी में अगर किसी ने करा हुआ है और उस पीढ़ी का व्यक्ति अगर कर्मनाशा नदी को छू लेता है, उसका पानी का स्पर्श हो जाता है, तो 7 पीढ़ी में करा गया सारा कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी आज भी बहती है जो ब्रह्मा जी के रक्त से बनी। विद्वान लोग आज भी उस नदी के पास नहीं जाते, उस नदी के करीब में नहीं पहुंचते। नदी के करीब में नहीं जाते महाराज। शंभू शरण।